लोग मेरे को कह रहे हैं एल्विश भाई तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो कटारिया का। तो गाइस अभी यहाँ पर एल्विश यादव फैन उनके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा हो चुके हैं। एंड गाइस आप लोगों को तो पता होगा कि एल्विश यादव इस टाइम फॉरेन ट्रिप पे गए हुए हैं, इंडिया में नहीं है। और जैसे कि आप लोग एल्विश यादव के व्लॉग देख ही रहे होंगे, वो आउट ऑफ कंट्री घूम रहे हैं। तो गाइस इसी चीज को लेकर एल्विश के फैन उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई जल्दी से इंडिया आ जाओ और लव कटारिया को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। और जैसा कि बिग बॉस ओटीटी के टाइम पर कटारिया ने आपके लिए किया था, आप वीकेंड के बार में जाओ और कटारिया को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। एंड एल्विश यादव को इस चीज को लेकर इतना ज्यादा हेट मिलने लगा कि एल्विश यादव ने इस चीज के ऊपर रिप्लाई कर ही दिया। एंड यहाँ पर एल्विश यादव कटारिया को लेकर यह कहे कि मुझसे जितना ज्यादा सपोर्ट हो रहा है मैं उतना ज्यादा अपने भाई को सपोर्ट कर रहा हूँ, और वीकेंड के वार में जाकर उन सभी चीजों को करना इतना भी आसान नहीं होता है। एंड बाकी इसके बारे में एल्विश यादव प्रॉपर बातें करते हो अपने ब्लॉग के अंदर, क्या कहे आप लोग खुद देखिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप। मेरे को कह रहे एल्विश भाई तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो कटारिया का, वीकेंड के वार पे जाओ जा क्यों रहे हो। अरे भाई मेरे हाथ में नहीं है यार, समझो ना ये वाली बात, मेरे हाथ में कैसे होगा भाई बिग बॉस के अंदर जाना, मेरा कोई शो है वो? तो जो चीज़ ये सोच रहे वीकेंड के बार पे, मेरे तो बाप का घर है भाई, कभी भी जाओ वीकेंड के बार पे और वो कटारे भाई ऐसे करो कटारे भाई वैसे करो, सब सबको गाली बक के आ जाओ, ऐसा नहीं होता भाई। रही दूसरी बात कटारे के सपोर्ट की, भाई कटारे को पूरा सपोर्ट है और कैसे सपोर्ट करें मुझे एक बात बताओ। ग्राउंड पे उतर के झाड़ू मारने लग जाऊँ, पुशअप मारने लग जाऊँ, सब पार्टे मारने लग जाऊँ, क्या करने लग जाऊँ बताओ। हम उसको ऑनलाइन सपोर्ट कर सकते हैं वोटिंग से, वो हम कर रहे हैं पूरे अच्छे तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है भाई, कुछ ख़राब नहीं हुआ है किसी के बीच में, सब बढ़िया है यहाँ पे, बस चलता नहीं है जियो सिनेमा, तो मेरे को अपडेट लेने के लिए फ़ोन करना पड़ता है जो कि मैं रोज़ करता हूँ। तो बाकी यहाँ पर आप लोग एल्विश यादव के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या वो अपने दोस्त कटारियो को अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं या फिर नहीं, अपने भी नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना। सो गाइस अब एल्विश यादव की बात हो गई तो बात कर लेते हैं एल्विश यादव वर्सेस ध्रुव राठी के बारे में। सो गाइस आप लोगों को तो पता हो गई कि ध्रुव राठी एल्विश यादव की वीडियो का काउंटर रिप्लाई कर चुके हैं। एंड उस वाली रोस्टिंग वीडियो के अंदर ध्रुव राठी एल्विश यादव के थोड़ा पर्सनल भी चले गए। एंड गाइस इसी चीज का रिप्लाई करते हुए एल्विश यादव ट्वीट करते हुए कुछ ये कहते हैं, अभी हॉलीडेज एंजॉय करने का टाइम है, इंडिया आके करते हैं हिसाब जो जो भौंकते हैं। सो गाइस यहां पर एल्विश यादव क्लियर करते हैं कि वो इंडिया आने के बाद फिर से ध्रुव राठी को रोस्ट करने वाले हैं। सो बाकी गाइस यहां पर आप लोग एल्विश यादव की ध्रुव राठी के ऊपर आने वाली रोस्टिंग के बारे में कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, अपने भी नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना। एंड गाइस अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।